केदारनाथ मंदिर के मोबाइल फोन के उत्ते पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर के तस्वीर या वीडियो हुण नहीं बनाई जा सकेगी। श्रद्धालु बद्री ते केदारनाथ मंदिर कमेटी के वल्लों ये फैसला जो लिया गया। श्रद्धालु उत्थे जाके तस्वीर करते सी, वीडियो बनाते सी, ते वीडियो बना के उन्होंने वल्लों सोशल मीडिया उत्ते पाईआं जांदीआं सी, जिस तों बाद ये फैसला लिया गया। बीते दिन ही एक ब्लॉगर के वल्लों भी वीडियो पाई गई, एक लड़की के वल्लों उत्थे ही एक लड़के नूं प्रपोज किया गया सी, ते बाद दे विच वो एक दूसरे के गले मिलते हुए भी नज़र आए। जदों उत्थों दी ये वीडियो वायरल हुई तो उस तों बाद फैसला उत्थों दी कमेटी के वल्लों लिया गया सी कि जल्द ही वो मोबाइल फोन के उत्ते पाबंदी लगा देंगे, तो हुण पाबंदी लगा भी दित्ती गई है। हुआ है कि मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के अंदर इस तरह की वीडियोग्राफी करना बिल्कुल वर्जित है, और गर्भगृह में तक जो है लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, जिसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तमाम जो है इस तरह के वीडियो जो है आपने पूरे उसमें देखे होंगे, जो केदारनाथ के उसकी परंपरा के खिलाफ है। मंदिर समिति की तरफ से पुलिस को एक लेटर दिया गया है, इसमें जो यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स वहाँ पे वीडियोस बना रहे पे कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत पहले से ये कार्रवाई जो है इन पे लगातार हो रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। पुलिस द्वारा जो है जितने भी वीडियोस ये जो फोन वगैरह लेके जाते हैं तो उनको बाहर ही बंद करवा दिया जाता है, उसके बाद ही एंट्री करवाई जाती है। केदारनाथ मंदिर के मोबाइल फोन के उत्ते पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर के तस्वीर या वीडियो हुण नहीं बनाई जा सकेगी। श्रद्धालु बद्री ते केदारनाथ मंदिर कमेटी के वल्लों ये फैसला जो लिया गया। श्रद्धालु उत्थे जाके तस्वीर करते सी, वीडियो बनाते सी, ते वीडियो बना के उन्होंने वल्लों सोशल मीडिया उत्ते पाईआं जांदीआं सी, जिस तों बाद ये फैसला लिया गया। बीते दिन ही एक ब्लॉगर के वल्लों भी वीडियो पाई गई, एक लड़की के वल्लों उत्थे ही एक लड़के नूं प्रपोज किया गया सी, ते बाद दे विच वो एक दूसरे के गले मिलते हुए भी नज़र आए। जदों उत्थों दी ये वीडियो वायरल हुई तो उस तों बाद फैसला उत्थों दी कमेटी के वल्लों लिया गया सी कि जल्द ही वो मोबाइल फोन के उत्ते पाबंदी लगा देंगे, तो हुण पाबंदी लगा भी दित्ती गई है। हुआ है कि मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के अंदर इस तरह की वीडियोग्राफी करना बिल्कुल वर्जित है, और गर्भगृह में तक जो है लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, जिसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तमाम जो है इस तरह के वीडियो जो है आपने पूरे उसमें देखे होंगे, जो केदारनाथ के उसकी परंपरा के खिलाफ है। मंदिर समिति की तरफ से पुलिस को एक लेटर दिया गया है, इसमें जो यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स वहाँ पे वीडियोस बना रहे कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत पहले से ये कार्रवाई जो है इन पे लगातार हो रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। पुलिस द्वारा जो है जितने भी वीडियोस ये जो फोन वगैरह लेके जाते हैं तो उनको बाहर ही बंद करवा दिया जाता है, उसके बाद ही एंट्री करवाई जाती है।